विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार को भागियों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान कार्यकर्ताओं की पुलिस और ब्लॉक कर्मियों से नोकझोंक भी हुई। कोधावा में ब्लॉक मुख्यालय गेट पर सोमवार को भारतीय किसान यूनियन इंडिया ने धरना प्रदर्शन किया। मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के साथ मुख्यमंत्री आवास को कूच करने की चेतावनी भी दी। अवगत करा दें कि वन रेंज कछोना के कोधावा क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित कोयला भट्टियां, आरा मशीन व प्रतिबंधित हरे भरे पेड़ों का हो रहा कटान। रायपुर सोमवंशी में एक घर में ग्राम पंचायत अध्यक्ष व राशन कोटा वीरमती पत्नी शिवपाल सिंह की भूमिका पर अवैध कब्जा। ग्राम पंचायत मजीगवा स्थित गौशाला में गौवंशों की दुर्दशा। ग्राम पंचायत कल्याण मन में विकास कार्यों का ना कराया जाना व 95 वर्षीय किसान रजन लाल पुत्र शिव नारायण को किसान सम्मान निधि का लाभ ना मिलना। संडिला के गौसवा गोड़वा में दिव्यांग अमीन पुत्र मुस्लिम को आवास योजना से वंचित रखना। बैलहया से वैरागी खेड़ा तक सड़क निर्माण। नगर पंचायत बैनीगंज में मुख्य सड़क मार्गों के किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने। संडिला स्थित काशीराम कॉलोनी में शौचालयों के टूटे टैंक से फैल रही बदबू एवं बीमारियों का डर आदि मुद्दों के निस्तारण को लेकर जिला अध्यक्ष संतोष मिश्रा व महिला जिला अध्यक्ष रेखा दीक्षित के नेतृत्व में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। ब्लॉक मुख्यालय परिसर में बैठने को लेकर किसान और ब्लॉक कर्मियों व पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इतना ही नहीं, किसानों ने इकट्ठा होते हुए मुख्यालय के दोनों गेट में तालाबंदी देख किसानों ने नाराजगी जताई। इस दौरान किसानों ने नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसान अपने हक की लड़ाई जरूर लड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आज जिला प्रशासन ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के साथ मुख्यमंत्री आवास को पैदल कूच करेंगे, जहां किसानों की महापंचायत होगी। मौके पर पहुंचे संडिला नायब तहसीलदार अंकित तिवारी ने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि सभी समस्याएं जल्द दूर कराई जाएंगी। क्या मामला था, क्यों ये किसान चिलचिलाती धूप में यहां धरने को मजबूर हुए? देखिए, जो मामला है, हमारे संबंधित किसान यूनियन से बात हो चुकी है और जहां तक उम्मीद है इन्हें तुरंत इसे खत्म कराने का कोशिश की जाएगी। नहीं सर, इनका कहना है कि कई बार ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को भी दिए गए, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं। महीनों से ज्ञापन लेकर दौड़ रहा है सर। सरकार की मनसा के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा, क्यों? मनसा के अनुरूप ही कार्य हो रहा है, चुनाव का मैटर था, लेकिन अब हम फील्ड में हैं, प्रॉपर फील्ड में, सभी लोग फील्ड में हैं। अब जो दिक्कतें होंगी किसानों की, काश्तकारों की, सभी दिक्कतों का निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा। सर, जन सुनवाई में भी इनके द्वारा ज्ञापन दिए गए, शिकायती पत्र दिए गए, तो क्या सर जन सुनवाई में भी कोई सुनवाई नहीं होती किसानों की? बिल्कुल होती है। नियम अनुसार जो कुछ कार्रवाई होनी होती है सब होता है, लेकिन कुछ दिक्कतें हो जाती हैं तो उसके लिए हम लोग खुद आते हैं मिलने के लिए, जैसे आ जाए हैं। और जहाँ तक उम्मीद है संबंधित किसान यूनियन को कोई दिक्कत नहीं होगी हमसे, और इनका जो भी कुछ दिक्कत है इनकी तुरंत खत्म की जाएगी। सर, वैसे क्या मांगे थी, कितने बिंदु थे, और अब आगामी इन्हें क्या आश्वासन क्या दिया गया आपके द्वारा? आश्वासन दिया गया है कि इनके 11 मांग हैं, जिसमें अन्य अन्य विभागों की मामले हैं, PWD, नगर निगम, कुछ राजस्व, कुछ पुलिस, जहां तक सभी विभागों से समन्वय करते हुए इनके निराकरण को जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। सर, क्या आश्वासन में कितने दिन का? जल्द से जल्द, जितना उम्मीद हो सकता है। हर विभागों को कोऑर्डिनेशन जरूरी होता है, सभी विभाग से कोऑर्डिनेट करते हुए तुरंत इतना हो सकता है कि जल्द से जल्द कदम कराएंगे। सर, ये लोग ब्लॉक परिसर के बाहर बैठे, उसके बाद ब्लॉक में ताला डाल दिया गया। सर, किसानों के साथ में इस तरह की अभद्रता की जा रही है, जबकि अन्नदाता का सरकार भी बहुत सम्मान कर रही है। चलिए ठीक है, इसको लेकर हम ब्लॉक संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे, क्या कारण है इनको बाहर बैठना पड़ा, और सूचना पहुँचाएंगे आगे भी। मामला है, क्यों आप लोग बैठे हैं? मैं रेखा दीक्षित, भारतीय किसान यूनियन महिला जिलाध्यक्ष हरदोई। आज हम लोग यहाँ पर कुछ हमारे सबके प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर के कुथामा ब्लॉक के प्रांगण में बैठे हैं, लेकिन कुछ कारणवश बीडीओ साहब ने ताला बंद करके हम लोग को बाहर बैठने पे मजबूर कर दिया है। इस समय भयंकर गर्मी में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये हो रहा है जो चारों तरफ हरे भरे पेड़ों को कटान को लेकर के, जिसमें चारों तरफ भट्टियाँ धधक रही हैं और आरा मशीनें चल रही हैं, जिसमें हरे पेड़ चीर कर रातों रात छीर दिए जाते हैं। इन्हीं कारणों को लेकर के बताइए, भयंकर गर्मी में भीषण हो रही है, जब हरे भरे पेड़ ही नहीं बचेंगे, वन संपदा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग यहाँ पर इसीलिए बैठे हुए हैं, और वन संपदा के साथ खिलवाड़ करने वालों को कई बार हम लोगों ने अवगत कराया है, वन रेंजर को भी बताया है, लेकिन ये सब मामले संज्ञान में नहीं लिए जा रहे हैं। इन्हीं प्रकरणों को लेकर के आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। कुछ समस्याएं राजस्व की हैं, गौशाला की हैं,
और कोटेदार की मनमानी की है। यही सब समस्याओं को लेकर के आज हम बैठे हैं और हरे भरे पेड़ों को कृपया करके यही है प्रशासन से कि उनको काटने से रोका जाए, जिसमें ये रातों रात आरा मशीन से ना चले। कब तक चलेगा धरना प्रदर्शन? अभी कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि अभी कुछ भी संकेत नहीं मिल रहा है। जब तक कोई सक्षम अधिकारी ज्ञापन लेने नहीं आएगा, मांगों को नहीं पूरा करेगा, तब तक हमारा प्रदर्शन चलता रहेगा। आगे क्या तैयारी है? आगे की अगर देखते हैं, यहाँ पर कोई हम लोगों को संतुष्टजनक उत्तर नहीं मिलता है तो हम लोग मुख्यमंत्री के लिए कुछ। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।